हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले आप सभी को विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आप सभी को ये मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आज के दिन एक ऐसा दिया जलाइए खुद के लिए। आपके मन में, आपके लाइफ में, आपके घर में अगर कोई अंधेरा है, कोई निगेटिविटी है, तो वो उसे ख़त्म कर सके। तो इसलिए आज के दिन अपने लिए एक दिया जरूर जलाइए। सो अब हम चलते हैं रीडिंग्स पे। दिस न्यू मून इन स्कॉर्पियो इज वेरी हैवी एंड इंटेंस एनर्जी। मैंने ट्विन फ्लेम्स के यहाँ पे सोल मर्जिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये एनर्जी आप भी फील कर पा रहे होंगे। जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर अपनी बॉडी में आपको अपनी डीएम की बॉडी फील हो सकती है। कंटिन्यू आपको ऐसा लगेगा कि उनकी सोल आपके पास है, उनके टच को भी आप फील कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहाँ पे सोल मर्जिंग के बारे में बताया जा रहा है, और ड्रीम्स में भी आप देख सकते हो कि एक बॉडी में दो लोगों का फेस है, दो अलग अलग बॉडी आपको दिखाया जा रहा है। तो ये सब कुछ सोल मर्जिंग के साइन होते हैं। लॉट ऑफ फिजिकल पेन एंड इमोशनल पेन। यहाँ पे बहुत सारी डीएफए कलेक्टिव में जिसे फिजिकल पेन हद से ज़्यादा हो रहा है, और मॉर्निंग में जब भी आप उठ रहे हो तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। नेक में पेन और शोल्डर में पेन, आपके पैरों में दर्द, और ऐसा लग रहा होगा जैसे कि आपके बोन वीक होते जा रहे हैं, चलने में प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ी देर आप खड़े हो जा रहे हो तो आपको नी में पेन हो रहा है। कुछ हैवी सामान आप उठा नहीं पा रहे हो, हाथों में जैसे कि जान ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मेरे बोन यहाँ पे वीक हो रहे हैं। इमोशनल पेन भी हो रहा है, जो आपको वुंड्स मिले हैं, ट्रॉमा मिले हैं किसी से भी, अपने फैमिली से, अपने डीएम से, कार्मिक से, या कहीं पर भी, तो वो सब कुछ अभी सरफेस पे हो रहा है। तो इमोशनल भी बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हो। रूट चक्रा सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। रूट चक्रा में जितने भी इशू हैं वो अभी सरफेस पे हो रहे हैं, यानी कि आपका एंगर, ओवर थिंकिंग, ग्राउंडेड नहीं रह पाना, बहुत ज़्यादा सोचना, निगेटिव होना, फ्रस्ट्रेट होना, पास्ट के बारे में सोचना या फिर फ्यूचर के बारे में सोचना, और परेशान होना, मनी ब्लॉकेज भी यहाँ पे हो रहा है। काम अच्छे से चल रहा था लेकिन सडन से काम यहाँ पे रुक गया है, या फिर जिसकी तलाश है आपको वो काम आपका बन नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे रूट चक्रा इफेक्ट हुआ है, साथ में आपका वूम्ब चक्रा। वूम्ब चक्रा देखिए, ये हमारे ड्रीम्स को जन्म देते हैं, हमारे क्रिएटिव साइड होते हैं। जितना भी हम अपने काम के लिए पैसनेट होते हैं, ये एनर्जी हमारे सैक्रल चक्रा यानी कि वूम चक्रा से आते हैं। तो यहाँ पे इफ़ेक्ट हो रहा है आपका वूम चक्रा यानी कि सैक्रल चक्रा। तो आप अपने क्रिएटिव साइड पर भी काम नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको समझ नहीं आ पा रहा होगा कि मुझे किस लाइन पर जाना है। काम आप करते थे लेकिन अभी आपका मन नहीं करेगा कि मैं वो काम करूं, बहुत लेजी सा फील कर सकते हैं। तो डीएफ अभी ना आप क्या करिए, अपने रूट चक्रा, अपने सैक्रल चक्रा पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि यही दो चक्रा है अभी ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसमें आप एक्स्ट्रा वर्क करिए और ये देखिए कि कौन से चक्रा से जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको आप ना एफर्मेशन के रूप में बोल के हील करिए, उसको लिख कर बर्न करिए। मतलब जैसे जो भी आप करते हैं उसे आप करिए। मनी की प्रॉब्लम हो रही है तो आप ना होपोनो प्रेयर करिए मनी को लेके, कि जो भी एक मैंने एक बिलीफ सिस्टम बना के रखा है कि मेरे लाइफ में ऐसा ही कुछ होगा, पास्ट में बनाया होगा या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, तो उसको ना आप होपोनो प्रेयर से क्लियर करें। खुद को सामने बैठा के आप बोले कि जो भी मैंने गलतियाँ की हैं अपने करियर को लेके, मनी को लेके एक ब्लॉकेज मैंने क्रिएट किया है, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, लव यू, इस तरीके से आप ये बोलिए। होपोनो प्रेयर ज़रूर करना है। सेल्फ लव भी अभी नहीं हो पा रहा है तो आप होपोनो प्रेयर करिए।
लेकिन प्रॉब्लम हो रही है आपके इन दोनों चक्रास पे, आपके चाइल्डहुड का ट्रॉमा या फिर आपके मम्मी पापा ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो वो भी रह रह के याद आना, पर्जिंग होना, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, सब कुछ इस टाइम आपके साथ हो रहा है या आपको बताया जा रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो अपनी लाइफ में। और ये सब कुछ आपके डीएम के साथ भी हो रहा है, सेम टू सेम एनर्जी है, मतलब आपकी जैसी एनर्जी है वहाँ पे आपके डीएम की भी एनर्जी है, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, वो अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है कि किस लाइन पे जाना है। उनको भी उनके फैमिली वाले कुछ ना कुछ बातें सुना रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन उनको फील हो रहा है। जो एनर्जी आपकी है सेम आपके डीएम की भी है, तो यहाँ पे देखिए कि क्या क्या आपके इशू हैं और अगर आपकी तरफ से वो हील हो गए हैं तो वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के इशू हैं जो अभी सरफेस पे हो रहे हैं। तो जब भी आप चक्रास करते हैं तो सामने अपने डीएम को विजुलाइज करके करिए और देखिए कि वो अपने चक्रास पे काम कर रहे हैं और उनको हील कर रहे हैं। जैसे आप एफर्मेशन बोलते हैं सेम टू सेम देखिए कि आपके डीएम भी वैसे एफर्मेशन बोल रहे हैं, यानी कि अपने करियर के लिए उनका जो फियर का इशू है उसको ख़त्म करने के लिए वो एक्शन ले रहे हैं और अपनी पावर में आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि जो आपकी तरफ से हील हो गया है वो आप अपने डीएम के लिए करिए फिर, क्योंकि डीएम वहाँ पे स्टक हो रहे हैं और माइंड बॉडी सोल आपकी अलाइन हो रही है। देखो आपका माइंड आपको क्या बोल रहा है उस तरीके से देखना है, क्या आपकी सोल भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है और उसी तरीके से फिर आपको एक्शन लेना है। मतलब तीनों का अलाइनमेंट होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आपका दिमाग कुछ और बोल रहा है, आप एक्शन कुछ और ले रहे हो और आपकी सोल कुछ और बोल रही है। तीनों अगर वहाँ पे आपको ये बोल रही है कि हाँ मुझे काम ये करना चाहिए तो उससे आप करिए, उसको फिर इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपका माइंड हो गया, बॉडी, आपकी सोल आपको परमिशन दे दी है कि आपको इस फील्ड में वो काम करना है। लेकिन कहीं पे भी अगर तालमेल नहीं बन रहा है तीनों में तो फिर उसको देखिए कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, क्या आपका माइंड वहाँ पे साथ नहीं दे रहा है, क्या आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही है, क्या आपकी सोल साथ नहीं दे रही है, इसको आप जल्द से जल्द क्लियर करें। अगर बॉडी साथ नहीं दे रही है तो फिर एनर्जी क्लियरिंग आप ज़रूर करिए सेज से, वाइट सेज होता है, आप ना अमेज़ॉन से परचेस कर सकते हैं, आप मंगाइए। और ना जब भी ऐसी कोई हैवी एनर्जी होती है या न्यू मून फुल मून उस टाइम ज़्यादा ये करिए, एक सेज लीजिए, जलाइए और अपने घर के मेन डोर पे जाइए, वहाँ से घुमाते घुमाते क्लॉकवाइज सेज को पूरे अपने घर पे जाइए और विंडो और दरवाजे अच्छे से ओपन करके जितनी भी एनर्जीज है जो आपको तंग कर रही है, आपको रोक रही है एक्शन लेने पे, उस एनर्जीज को देखिए कि वो बाहर रिलीज़ हो रही है। लेकिन जब भी आप ये करोगे तो अच्छे से प्रोटेक्शन लेके आपको करना है। ये जब आप करोगे ना तो आपका जो बॉडी साथ नहीं दे रहा है आपके काम में वो चीज़ फिर क्लियर हो जाएगी। तो ये आप करिए। अभी बहुत सारे हम अपने विशेष को फुलफ़िल करने जा रहे हैं, मैनिफेस्टेशन का भी पोर्टल ओपन हो गया है, तो बहुत पॉजिटिव रहना है। लाइफ में कुछ भी हो रहा है उसको नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं, मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर रही हूँ, मेरे डीएम की अवेकनिंग हो गई है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सबसे ज़्यादा यहीं पे प्रॉब्लम होती है जब हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि डीएम हमसे प्यार करते हैं कि नहीं। ये इल्यूज़न को हटाना है, डीएम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आपके डीएम हैं तो वो 101% आपसे प्यार करते हैं, भले वो दिखाते नहीं हैं या वो भी इल्यूज़न में फंसे पड़े हुए हैं, लेकिन हमको फील करना है उस एनर्जी को, इसी को इनर यूनियन कहते हैं। ये सब करिए डीएफ। सॉल्ट बात ज़रूर लेना है, सेज का तो मैंने बताया, लेकिन सॉल्ट बात लीजिए, डेली लीजिए, एनर्जी क्लियरिंग मस्ट है इस टाइम। ये न्यू मून आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करने जा रहा है, उसका वेलकम आपको बहुत अच्छे से करना है। आई होप डीएफ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।